एपिसोड 136 पागल। मैं तो बस तुम्हारे दिल की बात कह रहा था, अरमान मुस्कुराते हुए बिना बिल्कुल भी एम्बेरस हुए कहता है। अपनी चाही हुई मंजिल तक पहुंचने के बाद अरमान शॉपिंग कार्ट को धक्का मार देता है, जब तनुजा अभी खाना चुन ही रही होती है। दिसंबर का महीना था वो, इसलिए काफी गर्म चीजें बिक रही थी सुपरमार्केट में। उनमें से एक सूप था। तुम्हारा थोड़े सूप के बारे में क्या ख्याल है? मैंने काफी समय से सूप भी नहीं पिया, तनुजा अरमान से पूछती है। हाँ बिल्कुल, तुम बनाओगी ना मेरे लिए, वो कहता है। तुम्हें नहीं मेरे लिए सूप बनाना चाहिए वैसे? तनुजा अरमान की तरफ देखते हुए उससे पूछती है। तनुजा की चमचमाती आंखें देखकर और उसका वो मासूम सा चेहरा देखकर अरमान मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसे तो वो उसके लिए हर रोज ही सूप बना सकता है। ठीक है, वो कहता है। ये सुनकर तनुजा मुस्कुराने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड कभी कभी थोड़ा इम्पोलाइट हो सकता था, इसलिए वो उसे बिगाड़ना नहीं चाहती थी। जब तनुजा सब्जियां ले रही थी, अरमान बीच बीच में उसे पीछे से आकर हग कर रहा था, किस कर रहा था। एक औरत जो कि वहां से गुजर रही थी एकदम पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगती है। लोग हमें देख रहे हैं, तनुजा शर्माते हुए अरमान को याद करवाती है। वो सब हमसे जलते हैं। अरमान तनुजा की बात सुनकर उसे और जोर से हग कर लेता है और कहता है, तुम ये सोचकर देखो कि अगर हम इन लोगों की उम्र में ये सब हरकतें करेंगे तो ये कहेंगे कि हम कितने बेशर्म हैं। पर अभी अभी ये सब हमारे हाई क्वालिटी रिलेशन की निशानी है। तनुजा एक मिनट के लिए चुप हो जाती है। उसे लगता है कि अरमान की बात में दम तो जरूर था। टमेटो या मिक्स वेज, कौन सा सूप पियेंगे आप? तनुजा अरमान से पूछती है। जो भी तुम्हें पसंद हो मैं वही पी लूंगा, अरमान जवाब देता है। तनुजा अरमान के चेहरे की तरफ देखती है, जो कि उसके खुद के ही कंधे का सहारा लेकर बैठा था। तनुजा को उसके पुराने मीन और सेल्फिश अरमान की याद आने लगती है। अरमान सच में तनुजा का बॉयफ्रेंड बनने के बाद काफी बदल गया था। जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो सब लेने के बाद वो बिलिंग के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अरमान को वहाँ एक कपल दिखता है जो कि काफी हंस खेल कर बातें कर रहे थे आपस में। अरमान तनुजा से पूछता है, हम कब ऐसे प्यार से रह पाएंगे? तनुजा शर्म के मारे लाल हो जाती है और जवाब देती है, हमारी शादी के बाद। तुम मुझे फोर्स कर रही हो कि तुमसे शादी कर लूं मैं, अरमान कहता है। मैं बस खुद को बचा रही हूँ, आज तक तुम्हें पता ही है किसी भी लड़के के साथ कभी फिजिकल होने जैसा कुछ भी नहीं रहा मेरा, तनुजा बड़े ही प्राउड के साथ कहती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे साथ, अरमान पूछता है। जैसे ही तनुजा को इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या ही कह दिया, वो बेहद शर्मिंदा हो जाती है। दरअसल मेरा मतलब था, वो एक्सप्लेन करने लगती है। सफाई मत दो तुम, मैं सब समझता हूँ, अरमान अपनी उंगली तनुजा के लिप्स पर रख कर उसे चुप करवाता है। मैं तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी करूंगा, मैं भी अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं 30 साल का हुआ हूँ ऑलमोस्ट, पहले मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी, पर अब मेरे पास प्यार है, पर मुझे उसे छूने तक की इजाजत नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं बीमार ही ना हो जाऊं, अरमान कहता है। शर्माती हुई तनुजा फाइनली अपना मुंह खोल लेती है। अब क्या तुम अमित का नाम एग्जाम्पल के तौर पर दोगी? अरमान तनुजा को बीच में रोक देता है और कहता है, तुम उसे मेरे साथ कैसे कंपेयर कर रही हो? बेहद अजीब है वो, उसके बस का नहीं है ये सब, तभी तो आज तक तुम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो क्या ही जवाब दे, वो अमित का नाम तो लेना भी नहीं चाहती थी। आप दोनों क्या, आप थोड़ा जल्दी चेकआउट कर सकते हैं? आपके पीछे लाइन में काफी लोग वेट कर रहे हैं, कैशियर उन दोनों से कहता है। तनुजा अचानक अरमान के पैर के अगेंस्ट गिरने लगती है जब वो दोनों चेकआउट कर रहे होते हैं। उन्होंने तकरीबन 5 बैग्स भरकर सामान लिया था। चेकआउट करने के बाद तनुजा थोड़ा सामान उठाने लगती है, पर अरमान उसे रोक देता है। मेरे होते हुए तुम क्यों सामान उठाओगी? ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से वो बैग्स उठाने लगता है। आपने तो कहा था ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तनुजा एम्बेरस होकर अरमान से पूछती है। दरअसल वहाँ मौजूद सभी लोग तनुजा की ओर ईर्ष्या से भरी निगाहों से देख रहे थे, पर तनुजा को अरमान पर अलग ही प्राउड फील हो रहा था। तुम पैदा ही इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी, वो तो तुम्हारी किस्मत खराब है शायद कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का पहले कभी मिला ही नहीं, इसलिए तो तुम्हें खुद को ही ट्रेन करना पड़ा इतना ताकतवर बनाने के लिए, अरमान कहता है। अरमान की बात सुनकर तनुजा का दिल फ्लटर करने लगता है।
वो बेहद खुश हो जाती है उसकी इतनी सी बात सुनकर। अरमान थोड़ा आगे चला जाता है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि तनुजा उसके पीछे नहीं आ रही थी। वो पीछे मुड़कर देखता है और तनुजा बेहद प्यार से उसकी तरफ देख रही होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कहकर तनुजा फिर अपनी बाजुएं हिलाते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी खुद की ही कही बात की वजह से तनुजा उसे ऐसे घूर रही थी। तनुजा पहले बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, इसलिए समय के साथ उसने खुद को ट्रेन कर लिया था। तनुजा अकेले रहती है पर उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, और तो और केयर टेकर के काम में भी पेशेंट्स के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता था। मैं ऐसे नहीं चल सकता, अरमान कहता है। नहीं, मैं आपको ऐसे पकड़े रहना चाहती हूँ, तनुजा जवाब देती है। अरमान तनुजा की तरफ प्यार से देखता है और उसकी मुस्कुराहट देखते ही पिघल जाता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो दोनों कड़ी धूप में एक दूसरे के साथ चलते जाते हैं और उनकी परछाई उन्हें फॉलो करती रहती है। उन दोनों में से किसी को भी अपने पीछे आती गाड़ी नहीं दिखती। अमित पीछे वाली सीट पर बैठा था, गाड़ी के शीशे बंद थे, पर अमित उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते आराम से देख पा रहा था। ये देखकर उसके दिल में जैसे बिजली का करंट दौड़ने लगता है और उसके सिर में दर्द होने लगता है। वो खुद से ही सवाल पूछने लगता है कि क्या जो कुछ भी उसने देखा वो सब सच था? उसका प्यार किसी और के साथ? कैसे? एक समय था जब अमित तनुजा के साथ ऐसे घूमा करता था। वो उम्र में तनुजा से बड़ा था। तनुजा तब सिर्फ 18 साल की थी और लड़कों में उसका इंटरेस्ट बस शुरू ही हुआ था। अब काफी साल हो चुके हैं, तनुजा एक बच्ची से अब एक औरत बन चुकी थी। अब कोई और उसके साथ चल रहा था। ऐसा कैसे हो गया अचानक से? उसने तो कहा था कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। उसने कहा था ना कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जब वो दोनों पहले सुपरमार्केट जाया करते थे तब अमित भी तनुजा के कंधे पर अपना हाथ रखा करता था। अमित उसके लिए बहुत सारा खाना खरीदा करता था जिसके बाद तनुजा काफी खुश हो जाती थी। अरमान में आखिर ऐसा क्या था जो उसमें नहीं था? वो बस उससे थोड़ा ज्यादा अमीर था। अमित अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे प्लीज कोई बोल दो कि ये सब झूठ है और अरमान तनुजा को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है उसके पैसों के चलते। वो बस अरमान की पहुंच लगाकर लाइफ में कामयाब होना चाहती थी, फेमस होना चाहती है। तुम सही कह रही थी, मैंने शायद इसे ज्यादा ही पुश कर दिया, पर अगर ये मुझसे आकर भीख मांगती तो क्या मैं इसकी मदद नहीं करता? अमित के सेक्रेटरी को तनुजा की तरफ देखकर उसके लिए बुरा लगने लगता है। वो अमित से कहना चाहती थी कि क्या कुछ नहीं था अरमान के पास? वो अमीर था, पावरफुल था, गुड लुकिंग भी था। इस बात में कोई शक नहीं था कि लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वो अमित का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, उसने आपसे भीख तो मांगी ही थी पर आपने क्या किया? अब आप क्या चाहते थे कि वो आपके सामने आकर जमीन पर अपनी नाक रगड़े? मैं उसे ये सब करने के लिए बोल भी कैसे सकता हूँ, मुझे तो वो बस अपने साथ चाहिए, अमित उदास होकर कहता है। एपिसोड 137, पॉप स्टार। वो अमित से कहती है, सब लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि आप आयशा मैडम के साथ हैं। ऐसे में वो आपके साथ आपके आसपास रहती भी तो कैसे? और तो और आप ये बात भी भूलिए मत कि उसके पिताजी अभी जेल में हैं। वो तो इसलिए क्योंकि उसका परिवार मुझे काफी ओ करता है, अमित जवाब देता है। उसकी सेक्रेटरी चुप रहती है और धीरे से गाड़ी चलाती रहती है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ही तरीका अपनाना चाहिए। जब तनुजा को लगेगा कि अब अरमान उसके किसी काम का नहीं बचा है, शायद तब वो मेरे पास वापस आ जाए, अमित खुद को तसल्ली देने के लिए धीरे से कहता है। कम्युनिटी के गेट पर अरमान का शू लेस खुल जाता है। जैसे ही वो सारे बैग्स नीचे रखकर उसे बांधने के लिए झुकता है, वो अपने पीछे आ रही उस गाड़ी को देख लेता है। उसे याद आता है कि वो गाड़ी तो उसे तब दिखी थी जब वो सुपरमार्केट से बाहर आ रहा था। जल्दी से वो सब फिगर आउट कर लेता है। फटाफट खड़ा होकर वो तनुजा को किस करने लगता है। क्यों? तनुजा को समझ नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। मैंने पिछले 10 मिनट से तुम्हें किस नहीं किया था, अरमान उसे जवाब देता है। तनुजा शर्माने लगती है। अरमान को 5 बैग्स अपने हाथ में पकड़े हुए देख तनुजा अपने पंजों पर खड़ी होकर अरमान को वापस से किस करती है और कहती है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है,
यहाँ आसपास काफी लोग हैं और मुझे ऐसे शर्म आती है। वो आगे आगे अरमान के बिना ही चलने लगती है और बार बार बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती है। शाम का जादू उस पर अलग सा ही छा रहा था। वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। अरमान उस गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर वापस से तनुजा से बात करने लग जाता है। पिछली बार अमित ने तनुजा और अरमान के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की थी, इसलिए इस बार अरमान सोचता है कि अमित को ही जेलसी वाला लड्डू भी चखने को दिया जाए। जो कुछ भी अभी हुआ ये तो बस ट्रेलर था। अगर अरमान का बस चलता तो वो अमित को किसी मेंढक की तरह पानी में तब तक उबालता रहता जब तक वो मर नहीं जाता। गाड़ी में अमित की सेक्रेटरी अमित के गुस्से को बढ़ते हुए देख पा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तनुजा इस आदमी के साथ सोई भी है? अमित गुस्से में पूछता है। उसकी सेक्रेटरी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। अमित खुद ही अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तनुजा मुझे कितने समय से जानती थी, मेरे साथ तो वो कभी नहीं सोई आज तक, तो अरमान के साथ तो बहुत दूर की बात है। काफी समझदार है वो, उसे अच्छे से पता है कि किसी भी लड़की को अपने खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए। अभी भी उसकी सेक्रेटरी कोई जवाब नहीं देती। वो कहना चाहती थी कि उसके मुताबिक तनुजा अरमान को यूज नहीं कर रही थी। रसोई में तनुजा बर्तन धो रही थी तभी शिवानी आकर सूप बनाने लगती है। जैसे ही उसकी नजर काउच पर बैठे अरमान पर पड़ती है जो कि आलू छील रहा था, वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करती हैं। शिवानी तनुजा की तरफ मुड़कर धीरे से कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम और अरमान जी किसी सुपरमार्केट में ही गए थे, किसी होटल में नहीं? शर्माते हुए तनुजा जवाब देती है, अगर हम सुपरमार्केट नहीं गए होते तो ये सब खाना कहाँ से आता? तो क्या ये सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के बाद से इतना खुश है? शिवानी पूछती है। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो अरमान का ये बिहेवियर बाकी लोगों को समझाए भी तो कैसे। वो कहती है, हो सकता है कि ये पहली बार सुपरमार्केट में गए हों इसीलिए इतना खुश हूँ। हो सकता है, शिवानी कहती है। तकरीबन 20 मिनट बाद सूप और खाना दोनों तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाने लगते हैं शिवानी को एहसास होता है कि उसे वहां नहीं होना चाहिए था और वो अचानक अरमान के सेक्रेटरी को मिस करने लगती है। ये लो ये भी खाओ ये भी खाओ, अरमान धीरे धीरे कर तनुजा को सब खिला रहा था। मैं ठीक हूँ आप अपना खाना खाइए। तनुजा थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है क्योंकि शिवानी भी वहां थी। तुम्ही ने तो कहा था ना कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहिए, तुम एक घोड़े की तरह खाती हो और ये सब तो तुम्हारे लिए बाल्टी में एक बूंद के जैसा ही है बस। शिवानी ये सुनकर खांसने लगती है। तनुजा गुस्से में अरमान को देखती है और कहती है, चुपचाप अपना खाना खाइए। अरमान धीरे से अपनी प्लेट आगे करता है और तनुजा को कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं तो एक काम करो तुम ही मुझे खाना खिला दो। क्या आपके पास हाथ नहीं है, आप ये खुद नहीं कर सकते? तनुजा उसे जवाब देती है, जो कुछ भी तुम चुनती हो वो ज्यादा टेस्टी होता है। थोड़ी देर बाद शिवानी खांसते हुए कहती है, अगली बार मैं आपको खाना खाने के लिए ज्वाइन नहीं करूंगी, मेरा तो हॉट डॉग से ही पेट भर गया। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? अरमान उससे पूछता है। वो इस शहर में नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? मुझे सच में नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता तनुजा टेबल के नीचे से उसे लात मारती है। वो बीच में ही रुक जाता है। तकरीबन 8 बजे तक उनका खाना खत्म होता है। अरमान वापस जाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि तनुजा और शिवानी को अपनी अगले दिन की क्लास के लिए कुछ पढ़ाई करनी थी। मैं आपको नीचे तक छोड़ आती हूँ, तनुजा खड़ी हो जाती है ये कहकर। कोई बात नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हारा इस समय बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें भूख भी लगती है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं मंगवा दूंगा, अरमान तनुजा से कहता है। अब आप इतना ज्यादा मत करिए, तनुजा उससे कहती है। हाँ तुम इतनी खूबसूरत जो हो, अरमान अपने जूते पहन रहा था। और हाँ रही बात तुम्हारी वॉइस एक्टिंग की, तो मैंने इंडस्ट्री के सभी प्रोड्यूसर से बात की है, उनमें से कोई भी तुम्हें अब परेशानी नहीं देगा। सच में? तनुजा हैरान होकर पूछती है। मुझे तो लगा था कि आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं मीडिया और कम्युनिकेशन अथॉरिटी में, अरमान उसे जवाब देता है। तनुजा को याद आता है कि ये वही अथॉरिटी है जिसकी परमिशन चाहिए होती है सभी कंपनियों को कुछ भी रिलीज करने से पहले, और अमित चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उस अथॉरिटी तक नहीं पहुंच सकता। इस बात में कोई शक नहीं था कि अरमान के परिवार वाले कब से राजनीति में थे
और इसलिए ही उसकी अमित से ज्यादा जान पहचान थी मार्केट में। क्या एक बिजनेसमैन एक पॉलिटिशियन को चोट पहुंचा सकता था? अरमान के जाने के बाद शिवानी कहती है, अरमान को रोकना होगा, वो तुम्हारे साथ कितना स्वीटली पेश आते हैं। मुझे तुमसे जलन होने लगी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है, तुम लोग भी तो हमेशा ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहोगे ना? तनुजा पूछती है। तनुजा क्यूरियस थी, वैसे तो शिवानी का बॉयफ्रेंड था पर वो उसे ज्यादा फोन नहीं करती थी। अगर वो पिछले वीकेंड उससे मिलने ना गई होती तो तनुजा को भी यकीन ही नहीं होता कि शिवानी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। ऐसा लगता है कि तुम ही हमेशा उससे मिलने जाती हो, मैंने उसे तो कभी शहर में देखा ही नहीं है। शिवानी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसके सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग हैं। क्या मिलिट्री में है? शिवानी अपना सिर हिलाते हुए कहती है। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में है और यही एक कारण भी है कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तनुजा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। सागर अगर इंडस्ट्री में था तो फिर तो वो किसी नए डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बात करा ही सकता था। तुम्हारे हक में चीज होती ही कब है, तुमने तो पब में ऐसा बैकअप सिंगर भी गाना गाया है। मैं नहीं, वो एक कोरियन पॉप स्टार है, उसकी कंपनी ने उसकी पहचान छिपाने के लिए काफी पैसे लगाए हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि वहाँ लोग कितने स्ट्रिक्ट हैं। वो खुद भी 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट में फंसा है, उसे किसी के साथ रिलेशन तक में आने की इजाजत नहीं है। अगर उसे रिलेशन में आना भी है तो वो वहीं की कोई मशहूर फीमेल पॉप स्टार होनी चाहिए। काफी कॉम्पिटिशन है वहाँ और वो कोई भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेनलैंड मार्केट में उसने इसी साल एंटर किया है, इसलिए वो बेहद बिजी है, वो हमेशा ट्रैवल करता रहता है। इसलिए मैं सिर्फ उससे तभी मिल सकती हूँ जब वो आसपास के किसी शहर में हो। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात का यकीन करोगी भी या नहीं, पर इस पूरे साल मैं बस उसे 2 बार ही मिली हूँ, वो भी काफी जल्दबाजी में। एक बार जब हम मिले थे तो वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और मैं एक आम ऑडियंस मेंबर थी। हम ज्यादातर एक दूसरे को मैसेज करके ही बात कर सकते हैं, वो फोन पर ज्यादा देर बात नहीं करता। हमें डर है कि कहीं उसके मैनेजर को हमारे बारे में पता न चल जाए। तनुजा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे इस बात का महज अंदाजा तक नहीं था कि शिवानी का रिलेशन इतना डिफिकल्ट था। मैं सच में इसके लिए तुम्हें सल्यूट करना चाहती हूँ। तुम कैसे कर लेती हो ये सब मैनेज? मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता अगर मैं उसे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ना देख पाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत क्लिंगी गर्लफ्रेंड हूँ, पर इनसिक्योरिटी होती है ऐसे, तनुजा कहती है। तुम सही कह रही हो, मेरे मन में भी बहुत से ख्याल आते हैं। कभी कभी काफी हेल्पलेस और होपलेस फील होता है मुझे, पर मैं बस गिव अप नहीं कर सकती, शिवानी कहती है। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं है, हम स्कूल से ही एक दूसरे के साथ हैं, हमने एक साथ काफी कुछ फेस किया है। काफी बार हमारा ब्रेकअप तक हो चुका है, पर बार बार फिर हमें एक दूसरे का प्यार एक दूसरे की तरफ खींच लाता था। स्कूल खत्म होते ही हम अलग हो गए थे, वो अपनी ड्रीम के चलते कोरिया चला गया। उसे तो इस बात तक का अंदाजा नहीं है कि उसके बिना मैंने अपना कॉलेज का पहला साल कैसे निकाला है, मैं उसे सारा दिन मिस करती थी। तनुजा शर्मा जाती है, प्यार हमेशा लोगों का इम्तिहान लेता है। क्या तुम्हें मैंने कभी अपने होम टाउन के बारे में बताया है? शिवानी पूछती है। मेरे दादाजी और पिताजी दोनों सिरेमिक वर्कर्स के सक्सेसर्स हैं और मेरी माँ एक फेमस लैंडस्केप पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। मेरे परिवार वालों की एक काफी बड़ी सिरेमिक की फैक्ट्री है। वो चाहते थे कि मैं फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर लूं, पर मैं यहाँ आ गई, उन्हें लेट डाउन करके और इस कम्युनिकेशन आर्ट्स कॉलेज में अप्लाई कर दिया, वो भी उन्हें बिना बताए। वो काफी गुस्सा हुए थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे डिसोन कर देंगे अगर मैंने सिंगर बनने की ज्यादा जिद की तो। क्या ये सच में वर्थ है? तनुजा हैरान थी ये जानकर कि शिवानी सच में कितनी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से थी। तुमने उस टाइम अमित के साथ रहने की जिद की थी, क्या वो सब वर्थ था? शिवानी तनुजा से पूछती है। तनुजा चुप हो जाती है। उस समय तनुजा के मन में ये बात थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अमित के साथ ही रहना है। उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की थी पर वो नाकामयाब रहे। वो उससे प्यार करती थी और किसी और की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तनुजा शिवानी को बताना चाहती थी कि अब उसे इस बात का बेहद अफसोस था, पर उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अपने एक्सपीरियंस से किसी प्यार में पड़े इंसान को कोई बात समझाना बेकार है। ठीक है, तो फिर अब हम दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, शिवानी खड़ी हो जाती है और कहती है। किसी और को इस सब के बारे में मत बताना, मैं नहीं चाहती कि किसी और को भी पता चले। हाँ बिल्कुल, तनुजा अपना सिर हिलाती है।
वहां से निकलते समय अरमान को एहसास होता है कि वो गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी वो अब वहां से जा चुकी है। अरमान का सेक्रेटरी उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है, सर अमित जा चुका है। हाँ, वो जवाब देता है और कहता है, कुछ लोगों को इस जगह पर नजर रखने के लिए लगा दो। वैसे तो अमित पब्लिकली मेरे अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं करेगा, पर फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। जी मैं समझ गया, वो जवाब देता है। और रही बात आयशा की, तो मुझे उसकी और जतिन की उस दिन की क्लब में एक साथ फोटो मिली है। अमित ने उन फोटोज को छुपाए रखने के लिए लोगों को पैसे खिलाए थे, पर चाहे उसने इस खबर को बाहर आने से रोक लिया था रिपोर्टर से बात करके, पर हमारे कुछ खास दोस्त अभी भी पुलिस स्टेशन में हैं। सर्वेलेंस वीडियो तो अभी भी है ही वहाँ। उन रिपोर्टर से कॉन्टेक्ट करो, वो वीडियो बाहर निकलवाओ। लोगों को जानने दो, इस सबके पीछे मेरा हाथ है। फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को छुपाने की जरूरत करेगा, अरमान कहता है। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया पहले। अगर मुझे पता होता कि तनुजा उस क्लब में थी आयशा के साथ, तो मैं ये खबर छुपने ही नहीं देता। मेरी गलती है, उस समय मुझे लगा था कि हमें बस जतिन और उस क्लब का ही ध्यान रखना है, अरमान का सेक्रेटरी कहता है। मुझे अमित का रीसेंट शेड्यूल लेकर दो और मुझे उन सारी फिल्म्स और टीवी सीरीज की लिस्ट भी दो जो अमित की कंपनी ने प्रोड्यूस की है। जो सेंसरशिप बोर्ड से पास हो चुकी है उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो अभी रहती है उन्हें तो हम रोक ही सकते हैं ना। और जिनकी फिल्मिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है वो तो बिल्कुल भी बोर्ड से पास होंगी ही नहीं, अरमान मुस्कुराहट के साथ कहता है। वो खेल खेलना चाहता है ना, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन जीतता है। कोई बात नहीं, उसका सेक्रेटरी जवाब देता है। अगली सुबह तनुजा इस नए बेड पर उठी जो अरमान अभी रिसेंटली उसके लिए लाया था। ब्रश करते समय वो अपना फोन चेक करने लगी। लोनली स्लीपलेस नाइट, रात के 2 बजे अरमान का पोस्ट। जो साथ में फोटो थी वो एक टेबल लैम्प की थी जो उसके बेड के साइड पर रखा था। नीचे दीपिका ने कमेंट किया था, भाई क्या आप सच में मेरे ही भाई हैं? क्या आपका अकाउंट हैक हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि पुलिस आपकी कोई मदद करे? अरमान रिप्लाई करता है, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल से ब्लॉक कर दिया था। दीपिका, शायद आप भूल गए होंगे, तो आप सच में मेरे ही भाई हैं। क्या आप बीमार हैं? मैं डॉक्टर को फोन करूं? अरमान, शट अप। तनुजा अपना टूथपेस्ट थूकती है। वो जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। वो दोनों भाई बहन कितने फनी थे। अरमान का स्टेटस अपडेट काफी चीजी था। वो उसकी खड़ूस नेचर के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वो अपने फोन में रिप्लाई का बटन दबाती है, मैं अच्छे से सोई। थोड़ी देर बाद अरमान का जवाब आता है, ऐसी चीजें मत बोलो जिनका कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें ऐसे मेरे बिना सोने की आदत है? जी बिल्कुल, तनुजा जवाब में लिखती है। पर मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। आई मिस यू। दीपिका, क्या आप मुझे प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल से ब्लॉक कर सकते हैं? मुझे एक कुत्तों वाला खाना खाने में काफी तकलीफ हो रही है। अरमान, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तनुजा एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तुम किस बात पर इतना हंस रही हो? शिवानी, जो कि पहले ही अपने कपड़े बदल चुकी थी, अपने हाथ में अपना फोन लेकर तनुजा से पूछती है, क्या तुमने आज की न्यूज देखी? आयशा हेडलाइंस में है। तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? शिवानी हंसते हुए कहती है, कोई खुशी की खबर नहीं है, उसे फोरम ने बुलाया है और इंटरनेट पर सब उसके नाम पर थू थू कर रहे हैं। आमतौर पर उसके खिलाफ ऐसी नेगेटिव खबरें उसकी कंपनी छपने से रोक लेती है, पर इस बार उसे कोई भी सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या किया उसने? आर्टिकल में लिखा है कि आयशा जतिन के इस क्लब में मिली थी जिस रात वो अरेस्ट हुआ था, साथ ही उन दोनों की एक साथ मुस्कुराते हुए खड़े हुए फोटो भी है। शिवानी अपना फोन तनुजा को देती है, और तो और उसके बाद उन दोनों ने साथ में खाना भी खाया था। बड़ी अजीब बात है, नहीं? इतना टाइम हुआ है उस बात को, पर आज तक ये बात का जिक्र कभी हुआ ही नहीं। तनुजा फोटो देखती है, वो वही फोटो थी, इसमें तनुजा भी उसके साइड पर खड़ी थी, पर उसका चेहरा वहां से गायब किया गया था। शिवानी कहती है, लोग कह तो रहे हैं कि शुरू से ही उस रात आयशा वहां थी जब जतिन सुबह अरेस्ट हुआ था, पर किसी ने जानबूझकर ये खबर दबाने की कोशिश की थी। ये फोटो इंटरनेट से गायब हो गई थी, इसलिए कुछ खास हुआ नहीं, पर इस बार लोगों ने न जाने आयशा से कौन सा बदला लेने के लिए एक बार फिर ये फोटो वायरल कर दी है। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आयशा ने भी हाल ही में एक एक्ट्रेस की काफी बेइज्जती की थी सोशल मीडिया पर, तो हो सकता है कि उसी के फैंस ने ये हरकत की हो। तनुजा मुस्कुराने लगी। तनुजा को लगा कि इसके पीछे किसी और का हाथ था, किसी ऐसे इंसान का जिसे आयशा ने काफी ज्यादा ऑफेंड किया था। हाँ, वो एक्ट्रेस है तो काफी हार्ड वर्किंग, काफी सालों से कड़ी मेहनत के बाद वो उस मुकाम पर पहुंची है जहाँ आयशा रातों रात अपनी सिफारिश के चलते पहुंची है।
और इसी वजह से उस एक्ट्रेस के सभी फैंस आयशा से नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर उस रात आयशा जतिन से मिलने क्यों गई थी। कई लोग तो कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच गलत रिश्ता था, पर साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आयशा को इस सब की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास पहले से ही अमित है। कई लोगों को तो ये भी शक है कि वो अमित की कंपनी के ही किसी काम के चलते जतिन को रिश्वत देने गई थी। लोग फिलहाल तो ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि उस रात जतिन के साथ सोया कौन था। शिवानी हंसते हुए तनुजा की तरफ देखकर कहती है, क्या ये सब अरमान ने करवाया है? मैंने उसे इस बारे में कुछ बात करते तो सुना नहीं, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। तनुजा उठकर अपना मुंह धोकर अरमान को कॉल करने लगती है। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है। लोग ये ऑनलाइन क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने आयशा के साथ ये किया है? तनुजा अरमान से पूछती है। हाँ, अरमान हंसते हुए कहता है, तुम्ही ने तो उस क्लब का जिक्र किया था पहले। मैंने अपने सेक्रेटरी को थोड़ी छानबीन करने को कहा। अमित ने सारे सबूत गायब करने की कोशिश तो की थी, पर वो ऐसा कर नहीं सका। पुलिस ने वीडियो सर्विलेंस को ऐसा रिकॉर्ड रख लिया था। मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाकर ये वीडियो निकलवा लिया। मैं वहां उस रात मौजूद सभी लोगों को एक्सपोज करना चाहता था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर उसमें सिर्फ तुम्हारा चेहरा गायब हुआ तो लोगों को शक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बस जतिन और आयशा की फोटो ही वायरल की। तनुजा को अरमान की बात सुनकर इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वो उसे जवाब तक नहीं दे पाई। अरमान ने आयशा से और उन सब लोगों से बदला लिया था जिसने भी तनुजा को परेशान किया था। वो ध्यान से सोचती है तो उसे एहसास होता है कि उसने तो अरमान के लिए कुछ किया भी नहीं है। अरमान, थैंक यू। तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? अरमान उसकी बात सुनकर खुश नहीं था। कुछ लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश की तो मैंने बस बदला लिया। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो क्रिसमस शो के लिए आ जाओ। अभी तो तुमने कहा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। वो प्लीज मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में मत डालो, तनुजा कहती है। अरमान ने हाल ही में उस शो का जिक्र तक नहीं किया था, तो तनुजा को लगा था कि अरमान उसके बारे में भूल चुका होगा। मुझे पता ही था तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट ही कहा हूँ, बस वो टॉय बॉय जरूरी है, वो कहता है। कौन टॉय बॉय? तनुजा को समझ नहीं आता। वही जिसकी बाहों में तुम थी, अरमान जवाब देता है। तनुजा को अब तक समझ आ चुका था कि अरमान उस स्किट वाले लड़के के बारे में बात कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो तो तुम्हारे एक बाल भी जितना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मैं तुम्हें ही सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। तुम करती हो सच में? तनुजा की बात सुनकर अरमान खुश हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें टॉलरेट कर लूंगा, पर सिर्फ इस बार। हाँ ठीक है, तनुजा हंसने लगती है। अभी अभी ही उसे इस बात का एहसास हुआ था कि अरमान से डील करना कितना आसान था। उसे खुश करने के लिए बस जितनी हो सके उतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करनी थी। आयशा अपना मायूस सा चेहरा लेकर आती है और कहती है, अमित तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आज सुबह शूट साइट पर चारों तरफ से मुझे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे निकलने के लिए बड़ी ही मुश्किल से रास्ता बनाया, और तो और डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैं शूट साइट पर भी कुछ दिन नहीं जा सकती। अमित जो कि काउच पर बैठा अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था, अचानक आयशा की तरफ देखता है और कहता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बेवकूफ हो। अगर तुम उस दिन जतिन से मिलने ना गई होती तो ये सब फोटोज ही नहीं होती। अब तुमने मेरी पूरी कंपनी को मुसीबत में डाल दिया है, उसकी सेक्रेटरी कहती है। हम कॉस्ट्यूम ड्रामा के एक फेमस एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सोच रहे थे, पर आज सुबह जो कुछ भी हुआ उस सब के चलते उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। एक टैलेंट शो जो कि हमारी कंपनी ने और एक टीवी चैनल ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, टीवी स्टेशन वालों ने उसका टेलीकास्ट भी रोक दिया है कुछ समय के लिए, आयशा कहती है। ये सब तनुजा का ही काम होगा। पहले वो अरमान के साथ रिलेशन में आई और अब वो हमसे बदला ले रही है। हम कौन? अमित गुस्से में खड़ा होकर कहता है। वो आयशा को खुद से कहीं दूर फेंक देना चाहता था, पर अफसोस इस समय दोनों एक कश्ती पर ही सवार थे। तुम्हारी जतिन से मुलाकात एक फैक्ट थी जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। कंपनी तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर देगी। तुम्हें बस वहां जाकर ये बात क्लियर करनी है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जतिन किस तरह का इंसान था। तुम्हें जतिन ने ट्रिक किया था। जैसे ही तुम वहां पहुंची उसने तुम्हारा हाथ छूना शुरू कर दिया, जिसके चलते तुम खुद वहां से एक्सक्यूज करके बाहर आ गई और ज्यादा देर वहां नहीं रुकी। तुम्हें इस बात की हैरानी है कि बाद में वो अरेस्ट हो गया। पर अगर उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज दिखाई तो? आयशा डरी हुई थी।
पर उसे ज्यादा डर इस बात का था कि अमित को कहीं पता न चल जाए कि जब वो वहां से निकली तो तनुजा को वो अपने साथ वापस नहीं लाई थी। अरमान ऐसा नहीं करेगा, उसने जानबूझकर तनुजा का चेहरा छिपा दिया। ऐसा लगता है कि वो उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। आज के समय में ऑनलाइन किसी को भी ढूंढना कितना आसान जो है, तो उसका चेहरा वहां दिखाना तो बेहद रिस्की काम होगा। अमित का चेहरा उतर जाता है क्योंकि इस बात से वो अच्छे से अंदाजा लगा सकता था कि अरमान तनुजा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव था। आयशा को तनुजा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पहले भी वो उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर उससे चिढ़ती थी। अब जब उसके पिताजी गिरे तो अरमान आ चुका था। अरमान की फैमिली तो और भी नेक्स्ट लेवल थी, वो तनुजा की शादी इतने ऊंचे परिवार में नहीं होने दे सकती थी। वो अमित की तरफ देखती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, अरमान हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। अरमान की फैमिली बहुत पावरफुल है, हमें कोई ना कोई प्लान बना ही लेना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अरमान ने मानसी को बंजी जंपिंग तक करने पर मजबूर कर दिया था जब वो उसे तनुजा की तरफ से सबक सिखाना चाहता था। अरमान के दादा दादी दोनों तनुजा से नफरत करते हैं, अमित उसकी तरफ देखकर कहता है। वो ये सब डिजर्व करती थी, उस रात जब वो स्टेज गिरा तो उस सब में उसी का हाथ तो था, आयशा कहती है। मैं तो ये सोच रही थी कि हम मानसी के परिवार के साथ मिल जाते हैं क्योंकि हमारा एक कॉमन दुश्मन है। अमित उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है, अमित जी मुझे लगता है हमें अपने शहर वापस चलना चाहिए, हमें वैसे ही इन सब से काफी नुकसान हो चुका है, हमें कंपनी में आपकी जरूरत है, अब इस नुकसान की भरपाई करनी है हमें। ठीक है। अगले कुछ दिनों तक तनुजा लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज देखती रही। जब से आयशा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद को सही साबित करने के लिए काफी लोगों का ओपिनियन बदल चुका था ऑनलाइन। ये बेहद शर्म की बात थी कि ट्रेंडिंग न्यूज में एक कोरियन आइडल जो अपनी मैनेजर को डेट कर रहा था उसकी न्यूज थी। वो एक बेहद पॉपुलर आइडल था। कॉलेज जाते हुए रास्ते में शिवानी कहती है, ये अमित की कंपनी है बहुत पहुंची हुई चीज, इन्होंने जानबूझकर ऐसी न्यूज ढूंढ निकाली ताकि उनकी न्यूज छिप जाए। आयशा के काफी फैंस हैं, इतना आसान नहीं होगा उसे नीचे गिराना, तनुजा डिसअपॉइंट होकर कहती है। पर वो अकेली ही डिसअपॉइंटेड नहीं थी, अरमान ने भी दिन रात एक करके वो सबूत इकट्ठा किए थे, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। वो अरमान को फोन करती है, मुझे शुरुआत से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, वो एक काफी बड़ी और फेमस कंपनी है, वो काफी रिपोर्टर्स को कंट्रोल करते हैं और उनकी पब्लिक रिलेशंस की टीम भी काफी स्ट्रांग है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्राइम टारगेट आयशा नहीं थी। उसकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था, मानो से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तनुजा उसकी बात सुनकर हैरान थी। तो क्या आप उस पूरी कंपनी को हिलाने की कोशिश में हैं? नहीं, मैं तो उस फिल्म स्टूडियो के पीछे हूँ। तनुजा सोचने लगती है तो उसे याद आता है कि उसने जिमी को बात करते सुना था उस फिल्म स्टूडियो की डील के बारे में। अमित भी उस स्टूडियो को खरीदना चाहता था, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो फिल्म इंडस्ट्री में उसकी इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ जाती। तुम्हें याद है कि अमित की कंपनी मुझसे मिलने आई थी पिछले साल? मैंने उससे काफी देर तक बात भी की थी, और मुझे उससे बात करके इस बात का एहसास हुआ कि उसकी लाइफ में काफी बड़ी एम्बिशंस हैं। एक एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस बनने से तो काफी बड़े, वो एक ओरिएंटल हॉलीवुड बनाना चाहता है। एपिसोड 140, थप्पड़। तनुजा की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि अमित के भी इतनी हाई एम्बिशंस हो सकते थे। मैंने तो कभी उसे इन सब के बारे में बात करते नहीं सुना, तनुजा कहती है। अरमान जवाब देता है, लोग बहुत लालची होते हैं, तुम्हारे पिताजी की इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी पाने के बाद वो जरूर उसे एक्सपेंड करना चाहता होगा, अब छोटी मोटी कामयाबी उसे कहां ही पसंद आने वाली है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तो इस बार आपका टारगेट उसकी कंपनी की रेपुटेशन खराब करना है ताकि वो फिल्म स्टूडियो वो ना खरीद सके, तनुजा अरमान से पूछती है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि मैं वो जो फिल्म और टेलीविजन बेस बना रहा है उसे भी टारगेट कर रहा हूँ। वो अकेले तो ये काम कर नहीं सकता, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, जो कुछ भी अभी हुआ वो तो एक चिंगारी की तरह काम कर सकता है उन सबका अमित से विश्वास उठाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास सही मौका होगा फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सही स्टॉक्स लेने का। तनुजा को सच में अरमान अपनी इसी होशियारी के चलते बेहद पसंद था। नॉर्मली चाहे वो बेहद एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड था, पर बिजनेस की दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था।
इस बात में कोई शक नहीं था कि उसने अकेले ही इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें अपने पति पर गर्व नहीं है? अरमान हंसते हुए तनुजा को छेड़ने लगता है। तनुजा ये सुनकर शर्मा जाती है और शिवानी की तरफ देखते हुए अरमान को धीरे से कहती है, आप मेरे पति कब से बन गए? आज नहीं तो कल बन जाऊंगा ना। चलो अब ये सब बहुत हुआ, परसों तुम मेरे साथ कश्मीर चल रही हो एक चैरिटी इवेंट अटेंड करने के लिए, अरमान कहता है। क्या हम रात को भी वहीं रुकेंगे? तनुजा बिना कुछ भी सोचे समझे अरमान से पूछती है। हाँ अब तो तुम खुश हो, एक बार फिर तुम मुझे अपने बेड पर ला सकती हो रात को, अरमान उसे छेड़ते हुए कहता है। पहले तो तुम्हें ऐसे उठाकर ले जाना पसंद नहीं था और अब तुम इतना एक्साइटेड होकर ये बात कर रहे हो, तनुजा कहती है। जब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो तब से यही बात तो हमारे रिलेशनशिप की स्पाइस बन चुकी है। तनुजा आसमान की तरफ देखने लगती है। वो सही कह रही थी, अरमान सच में था तो ठरकी ही। ठीक है मैं परसों आपके साथ चल पड़ूंगी, वो कहती है। फोन करते ही अचानक तनुजा को एहसास होता है कि जाने अनजाने वो ऑलरेडी कॉलेज पहुंच चुकी थी। शिवानी पीछे मुड़ती है और पूछती है, क्या तुम अरमान के साथ कहीं बाहर जा रही हो? तनुजा उसे कश्मीर जाने वाली सारी बात बताती है। शिवानी तनुजा को देखकर मुस्कुराने लगती है और पूछती है, फिर तो तुम दोनों रात को भी साथ ही रुकोगे? तनुजा ये सुनकर शर्मा जाती है और शिवानी को पिंच कर देती है। इसके बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। अभी वो अपने मजाक से उबर ही रही होती हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने मानसी और उसकी माँ और दादी खड़े थे। अभी कुछ ही दिन हुए थे पर मानसी पहले से काफी पतली लग रही थी और कमजोर भी। तनुजा को उसके लिए बुरा जरूर लगता अगर उसे ये सब बातें ना पता होती कि उसने जैस्मिन को तनुजा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और अगर वो तनुजा की तरफ उस समय ऐसे ना देख रही होती। वैसे भी तनुजा को सब सच सच याद था कि कैसे उसे उस रात ब्रिज से नीचे धक्का दिया गया था। तुम? तनुजा को देखते ही मानसी की माँ की आंखें जैसे गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो आगे आती हैं और तनुजा को जोर से थप्पड़ मार देती हैं। तनुजा जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। वो ताकतवर थी। मानसी की माँ अपना हाथ छुड़वाने की काफी कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है। वो देखती है कि मानसी साइड से आने की कोशिश कर रही थी। तनुजा अपनी नीज बेंड करती है और उसकी माँ को नीचे गिरा देती है। आउच! वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। माँ! मानसी जल्दी से आकर अपनी माँ की मदद करने लगती है उठने में। रुको रुको, मेरे पैर में मोच आ गई है जब इसने मुझे धक्का दिया, वो अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है। तनुजा इतना भी हवा में उड़ने मत लगो तुम, पहले तुमने मेरी बेटी को बुली किया और अब तुम मुझे चोट पहुंचाना चाह रही हो। आंटी देखिए, ये हमारी बेइज्जती इसलिए कर रही है क्योंकि अरमान इसकी मदद कर रहा है। इसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया, अगर इसकी शादी अरमान से हो गई तो क्या हमारे लिए आपके परिवार में कोई जगह बचेगी? तनुजा मैंने तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इस बात में कोई शक नहीं कि आखिर हो तो तुम अपने बाप की ही बेटी, अरमान की दादी मानसी की माँ के लाल और सूजे हुए पैर की तरफ देख कर गुस्से में कहती है। वो उसकी रिश्तेदार थी आफ्टर ऑल और तनुजा सबके सामने ही उसे बेइज्जत कर रही थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक तुम्हें अपने परिवार की बहू बनकर आने नहीं दूंगी, वो मानसी की मदद से मानसी की माँ को जमीन से उठाते हुए कहती हैं। मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, वो खुद ही नीचे गिर गई, तनुजा कहती है। वो हैरान थी कि इस उम्र में भी मानसी की माँ ये हरकत करेगी। मैं खुद ही गिर गई, वो तनुजा की तरफ पॉइंट आउट करते हुए हंसने लगती है। तुम्हें लगता है कि मेरी उम्र में आकर मैं ये सब हरकतें करूंगी? तुम्हें बस अपनी गलती मानने में शर्म आती है, शिवानी अचानक पूछती है। आंटी आपकी उम्र में होते हुए भी क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए? दादी ये मेरी रूममेट है, मानसी शिवानी की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है। इसी ने मेरे रिसोर्सेस चुराए रिकॉर्डिंग कंपनी वाले और इसी ने मेरा लीड रोल भी मुझसे ले लिया म्यूजिकल नाइट वाला। अब तो हद ही हो गई, अरमान अंधा हो चुका है कि उसने तुम्हारी जैसी लड़की को चुना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, अरमान की दादी तनुजा और शिवानी की तरफ देखकर कहती हैं। मानसी अपनी माँ को संभालो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं इसे लेकर, ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं। तनुजा जल्दी से उठती है और उनके पीछे भागती है और जाकर उनका रास्ता रोक लेती है। उन्हें तनुजा के कहे एक भी शब्द पर यकीन नहीं था
इसलिए वहाँ खड़े होकर खुद को जस्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं था। अब तुम मुसीबत में पड़ने वाली हो, अरमान की दादी तो काफी अपसेट लग रही थी तुमसे, शिवानी परेशान होकर कहती है। अगर ये बूढ़े लोग किसी बात का बतंगड़ बनाने का एक बार सोच लेना, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अरमान भी उनकी बात ज्यादा देर तक टाल पाएगा। तनुजा का इस सबसे अब सिर दुखने लगा था। क्या तुम्हें लगता है कि अरमान भी मेरी बात नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि वो इस बात से अपसेट होगा कि मानसी के परिवार ने उससे भी बेहतर नाटक रचाया। शिवानी की बात में दम तो था। अरमान के ऑफिस में अरमान अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के कुर्सी पर बैठा फाइनेंशियल ऑफिसर से कोई बात डिस्कस कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी दादी का फोन उठाया, उसे उनकी आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी बदतमीज लड़की है, उसने तुम्हारी आंटी को जमीन पर धक्का दे दिया जिसकी वजह से उनके पैर में मोच आ गई है। मैंने इतनी इल मैनर्ड लड़की अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी, अरमान परेशान होकर पूछता है। क्या कोई गलत फहमी हुई है, तनुजा कभी ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, मैं एक 20 साल की लड़की को झूठे इल्जाम में क्यों फंसाना चाहूंगी? आंटी ने ही उसके साथ कुछ गलत किया होगा फिर, किसी ने कुछ भी नहीं किया था, हम लोग तो सिर्फ मानसी को कॉलेज छोड़ने गए थे, तुम्हारी आंटी बस उस लड़की को सबक सिखाना चाहती थी, उस सबके लिए जो भी उसने मानसी के साथ किया, इसलिए उसने पहल की, वो खुद को बचा भी तो सकती थी ना, क्या जरूरत थी आंटी को धक्का देने की, अरमान कहता है। शुरुआत से वो लोग तनुजा को परेशान करते आ रहे हैं, मैं आप लोगों के कहने पर 3 लाख में बात खत्म करने के लिए हाँ बोल चुका था, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा, अब तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है अपने किए का। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उस लड़की को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता, तुम्हें क्या ब्रेन वॉश किया है उसने? अरमान की दादी इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नजरों के सामने ही मेरे रिश्तेदार पर हाथ उठाने की? दादी आपको उस परिवार की बकवास अब और टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, अरमान कहता है।